वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों में जवाल नहीं। मौसम ख़राब हो गया है या और हसीन हो गया है, बस सब कुछ आपके सामने है और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। तब मार्च के महीने में इतनी बर्फ़ पड़ेगी, कभी सोचा भी नहीं था। और आपको सलाम दुआ करना ही भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना आसिफ डार और मेरे साथ है मेरी मिसेस आसिफ डार। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? और हमारा हाल तो आप देख ही रही हैं, एक दफ़ा फिर बर्फ़ की लपेट में आ गए हैं। अनएक्सपेक्टेड था वेदर, लेकिन सब अल्लाह के रंग हैं, जब भी चाहे वो बिखेर दे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और आप हमारे साथ रहिएगा, आपको यकीनन मज़ा आने वाला है। बहुत शुक्रिया। इधर मौसम जैसा भी हो, लेकिन कौंसिल वाले जो हैं वो सुबह सुबह आ जाते हैं और बिन्स को खाली करना शुरू कर देते हैं। अगर वो सुबह सुबह ना आए तो सारी रात का जो गंद हमने बिनों में डाल रखा होता है वो वहीं पड़ा रहे। और इधर एम्बुलेंस भी दौड़े जा रही है ताकि किसी की जान बचाई जा सके। सब अपना फ़र्ज निभाने में और अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने में लगे हुए हैं, चाहे ये सुबह हो या शाम हो, चाहे मौसम ख़राब हो या धूप वाला हो। रोड ज़रा स्लिपरी हैं, इसलिए ट्रैफिक जो है वो खासी स्लो हो गई है और बड़े आराम आराम के साथ चल रही है, जबकि हमारे कदम जो हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। आज थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। ओए होए होए होए, की गल है, दूध ते अंडे खत्म हो गए। बिल्कुल, दूध और अंडे भी लेने हैं और बिल्स भी देने हैं, वो बहुत जरूरी है। हाँ, वो डेट भी लास्ट है ना, क्या करें, काम तो फिर करने पड़ेंगे ना जी। काम तो ऐसे जैसा मर्जी वेदर हो, चले फिर तो करना पड़ेगा। इधर ये जो शॉपिंग ट्रालियाँ बाहर पड़ी हैं, इन पर बर्फ़ पड़ गई है। पहले ही ये काफ़ी ठंडी होती हैं और इस बार तो और ठंडी लग रही है। लीजिए, ये है दूध जिसने हमें भगाया है सर्दी में, कि जल्दी जल्दी से दूध लाया जाए, घर में ख़त्म हो गया है और घर जाके चाय शाय बनाई जाए। और जब चाय बनेगी तो साथ ब्रेड की भी ज़रूरत होगी, तो सोचा क्यों ना ब्रेड भी ले लें और अंडे भी ढूंढ लें, क्योंकि कई बार आए तो अंडे नहीं मिलते और वैसे भी अंडों की प्राइसेस यहाँ पर काफ़ी ऊपर जा चुकी है। जब आप लेने जाएं तो वो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दो पैक्स जो हैं उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी शॉपिंग नहीं की जा सकती। किसी के ऐप को तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब न कर। बुरी नज़र से ना देख मुझको ऐ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही तू अपनी नज़र ख़राब ना कर। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं ना ऐसे खेलती होती थी, ऐसे बनाती होती थी और गोले बना के ना ऐसे ऐसे करती, ऐसे रखती होती थी। ले जी, हम फिर अपनी बचपन की यादों को दोहरा रहे हैं और गोले बना रहे हैं। अच्छे लगते हैं वैसे, बच्चों वाली हरकते हैं। बस कोई बात नहीं, कभी कभी बड़ों को भी बच्चों वाली हरकतें कर लेनी चाहिए। ऐसा ही है। ये देखें जी, ये ये गोले बन गए हैं। क्या बात है, हाथ भी देख कितने हो गए ठंडे। चले फिर अंदर। ले जी, सर्दी का जोर कम हो गया है, हीटर जो चल रहा है। ले जी, घर आते हैं ना तो सबसे पहले ये करते हैं, जो जैकेटें होती हैं भारी भरकम उनको लटका देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जैकेटें पहनी तो वो तो हमें लटका देंगी, और सर पे जो टोपी पहनी होती है वो तो चक्कर ही आ जाते हैं जी। और घर आके सबसे पहले टोपी उतारते हैं, वो टोपी पहन के तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मैंने हेलमेट पहना हो और शुएब अख्तर के बाउंसर खेल रहे हो। बहरहाल ये ज़िंदगी है, ये बातें चलती रहती हैं। घर आ गए हैं और मिसेज बना रही हैं मेरे लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम अर्ली निकल गए थे। और ये आ गया जी मेरे सामने मेरा ब्रेकफास्ट। थैंक यू वेरी मच जी।
और इतना ख़ास नहीं है, लेकिन घर का बना हुआ है तो बहुत ख़ास है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है आमलेट और साथ है टोस्ट, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए टोस्ट है, जो कि ये जो अंडे लेने के लिए हम बर्फ में गए थे बाहर लेने के लिए, और साथ चाय दूध से बनती है वो भी आ गई है। दिखाई जी ये चाय भी दिखाई आज, ये है चाय। इस आमलेट को आप ज़रा करीब से भी देख लें कि कैसा लग रहा है आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको खा के बताऊंगा कि ये कैसा है। वैसे लगता है कि ये सब देखकर आपकी भी भूख बढ़ गई है। घर हम पहुंच चुके हैं और आज हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया था, हम पहले चले गए थे बाहर शॉपिंग के लिए, तो सोचा कि आज का ब्रेकफास्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। भाई मुझे तो बस मेरी तो सारी नज़र ब्रेकफास्ट पे है, और क्या करें ये जो दाल के दूंगा, हाँ जी प्लीज़ डाल दें, क्या करें ये जो भूख है ना, रात को खाया था, कल दिन को भी खाया था, मगर सुबह उठे तो फिर भूख लगी हुई है। बस ये अल्लाह का निज़ाम है ना जी, जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि आपको भूख लगती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं तो मज़े लेकर खाता हूँ जी, मुझे वैसे ये ग्रीन चिली की चटनी जो डालते हो ना, क्या बात है। और ऑमलेट बनाया, आए जी आप भी खाएं हमारे साथ। बहुत मज़े का बना जी, बहुत ही मज़ेदार है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और ना ये माइल्ड है, क्या बात है, बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा ये बताएं कि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन जो असल चीज़ आपने डाली है वो मिसेज का प्यार है और वो दिल लगी है, जिससे इसके जायके में चार चांद लग गए हैं। वाकई आप जो मर्जी चीज़ें डालें उनका जायका जो है वो डेफिनेटली, कहते तो हैं कि हाथ से आता है, जी बिल्कुल उससे हाथ का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नियत और इंसान का जो खलूस है और जो आपकी अंदर की मोहब्बत होती है वो भी असर अंदाज होती है, वो भी साथी डर होती है। हाँ हम लोग तो इस मूड में थे कि ये कोट्स जैकेट्स वगैरह उतारें, और थोड़ा मार्च आ गया है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो ज़रा हल्के फुल्के कपड़े इस्तेमाल लो, बाहर तो फिर भी कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सर्दी होती है, लेकिन कोट्स वगैरह पहन के ना जब ये उतरते हैं मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे अंदर से ना मनो जो वजन था वो उतर गया है वापस दुनिया चाह रही है जी, लेकिन अभी सर्दी जा रही है। बात कर रहा हूँ, मेरी चाय कौन सी है, ये आपको चाय निकल गई मजेदार, भूख भी लगी हुई है ना, भूख से तो हर चीज़ अच्छी लगती है। नहीं जी ये बात भी समझ में आई है कि जायके तो वाकई हैं, चीज़ें भी मज़ेदार होती हैं, मगर असल जो जायका है वो अल्लाह ने भूख में रखा है, अगर आपको भूख है तो सब कुछ अच्छा लगता है। वाह क्या बात है, अच्छा आप हमारे साथ रहिएगा, हम नाश्ता कर रहे हैं और आप हमारे साथ हैं, क्या बात है, जबर मजा आ रहा है। मैं तो साथ चाय लेता हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है साथ चाय, बचपन में भी ऐसे ही होता था ना, जब भी आप कभी पराठा वगैरह खाएं या अंडा पराठा या जो भी चीज अचार के साथ, तो साथ चाय बहुत अच्छी लगती थी, मज़ा आता था, मुझे खुद आदत पड़ी हुई है साथ चाय पीने की, मैं वैसे भी चाय ज़्यादा पीती हूँ। आज मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जब आप ब्रेकफास्ट स्पेशली करते हैं तो चाय जो है वो आपका दिल होता है कि साथ ही हो, या कुछ लोग हैं कहते हैं कि जी कुछ खा लेते हैं बाद में और चाय बाद में आए, वैसे हमें तो दिल होता है कि चाय भी साथ आए और जैसे खाते जाएँ और जैसे एक
सिप लगाते जाए चाय का भी और बाद में भी मिल जाए चाय तो कोई बात नहीं, स्पेशली ऐसे मौसम में छोड़ते नहीं है वो भी पी जाते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे सर्दी भी होती है कि फिर चाय का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पसंद भी है जरूरत भी है, जरूरत भी है ना ऐसे मौसम में, जो हॉट ड्रिंक्स हैं वो तो बड़े जरूरी हैं, आपको पीते रहने चाहिए ताकि एक सूप पिए जी, चाय पिए, ग्रीन क्या कहते हैं कावा, ग्रीन टी पिए, और कई तरह के हैं वो, बिल्कुल ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं और बड़ी मुफीद हैं ऐसे मौसम में, कॉफी भी वो आपको वो रखती है मुझे तो कॉफी भी पसंद है कॉफी से याद आया कि आपको किस तरह की कॉफी पसंद है, क्या आप सिर्फ ब्लैक कॉफी लाइक करते हैं या मिल्क डाल वाले, क्या कहते हैं मिल्क डाल वाला नहीं मिल्क वो मिल्की जो होती है जो मिल्की वाली, कौन सी कॉफी आपको पसंद है? असल में कॉफ़ी भी कई तरह की बनती है ना, कुछ लोग जो हैं वो ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं, फिर क्या करते हैं कुछ जो ब्लैक में हल्का सा मिल्क डाल के पीते हैं, तो जो मैंने नोटिस किया है कि जो है पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी तो धोनी तो मिल्क में कॉफ़ी डाल के पीते हैं जो कि काफ़ी हैवी होती है और क्रीमी होती है, लेकिन ये है कि होती बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की होती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कॉफी भी ज्यादा हो, मिल्क भी ज्यादा हो और मीठा भी टका के डाले, आप ये वाली पसंद करते हैं क्रीमी सी। मेरा ख्याल है काफी बातें हो गई हैं और हमने आपका टाइम भी बहुत ले लिया है, बहुत शुक्रिया आपका, इसी के साथ ही इस ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं, हमारा एक सादा सा ब्लॉग होता है, कोई ख़ास नहीं होता, मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप हैं जो इसे खास बना देते हैं, इसी दुआ के साथ इस ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं कि आप जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें और हाँ एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मन करो जी फिर कहिए आप ही करेंगे।